फोकस सोसाइटी की तरफ से दिल्ली के प्रगति मैदान में आज न्यू दिल्ली चैप्टर लॉन्च का आयोजन किया गया। आज के इस प्रोग्राम में बिल्डिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए लेकर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में कई एक्सपर्ट्स इंजीनियर शामिल थे जिन्होंने डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस को लेकर अपने अपने ओपिनियन रखे। इस मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईडी डी के कामरा, फोकस के प्रेसिडेंट वी सुरेश, गुरजोत सिंह भाटिया, आशीष रखेजा, डॉक्टर सी वेलान, आशीष वर्मा और केडी सिंह उपस्थित थे। फोकस के इस प्रोग्राम के बारे में डी के कामरा और वी सुरेश ने जो कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो सुरेश साहब के मार्गदर्शन से शुरू हुई है, जिसमें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का एक प्रयत्न किया गया था, जिसमें हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के भी इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया, और जिसका मेन पर्पस था कि जितने क्रिटिकल सर्विसेज़ हैं वो आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पाती प्रॉपरली से। और जैसे एयरपोर्ट में भी हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं टर्मिनल्स का, उसके अंदर हमारे इतने पैकेजेस होते हैं, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन खाली नहीं होता, इंटरनल या एक्सटर्नल या फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, BMS, HVAC, कन्वेयर सिस्टम, BHS एंड उसके बाद एरो ब्रिजेस, तो इन सबको, सारी जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं इनको कैसे एक रूफ के अंदर डिज़ाइन किया जाए बिम मॉडल में। जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी नए जो वर्क कर रहे हैं हम, उसके अंदर हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि बिम मॉडलिंग होनी चाहिए। बिम मॉडलिंग से हम कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये देख सकते हैं कि हमारी सारी क्रिटिकल एक्ट सर्विसेज कहाँ से जा रही हैं, उनका कोई ऐसा तो नहीं कि आपस में क्रैश है, या कल को ऐसा तो नहीं कि कल ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि अब सर्विसेज वहाँ से ले जा ही नहीं सकते। तो वो पहले 3D मॉडलिंग हो जाती है, जिसके अंतर्गत सारी सर्विसेज पहले ही हम बिफोर प्लानिंग कंस्ट्रक्शन वी कैन सी प्लान इट प्रॉपरली, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ डक्टिंग, कितने इंच का पाइप जाना है इलेक्ट्रिकल में, सो दैट उसका अच्छा इंटीग्रेशन हो पाए। तो ये बिम मॉडलिंग एक वे फॉरवर्ड है, जिससे कि एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन और टर्मिनल बिल्डिंग्स और जो और बिल्डिंग्स हैं उनमें और सुधार आएगा, ताकि सर्विसेज जो मेन उसका हार्ट होती हैं बिल्डिंग, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं, लीक हो रही है, मेंटेनेंस नहीं है, और उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर, जब आपको पता होगा पाइप यहाँ से जा रहा है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम पोस्ट कंस्ट्रक्शन आल्सो, जैसे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट हम कराते हैं बाद में, पता ही नहीं होता कि कहाँ पे आग लगी है, कहाँ पर लीक हो रहा है। इससे अगर बिम मॉडलिंग करेंगे, पाइपिंग का पता होगा, तो हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ, और उसको जल्दी से रिपेयर करेंगे, जिससे हमारे हर चीज़ में सुधार आएगा। सर, फोकस कंपनी मतलब सर्विसेज क्या है, मतलब क्या है? फोकस कंपनी नहीं है, ये संस्था है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लेवल पे पहली बार ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। जैसे साहब ने बिल्कुल करेक्ट बोला, कमरा साहब ने, हर एक बिल्डिंग के अंदर इफ क्रिटिकल सर्विसेज काम नहीं करेगा, बिल्डिंग काम नहीं करेगा, लाइट नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, एयर कंडीशनिंग काम नहीं करेगा, लिफ्ट नहीं काम करेगा, पानी का सिस्टम, प्लम्बिंग का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम, सिक्योरिटी का सिस्टम, एवरीथिंग इज डन क्रिटिकल यूटिलिटी सर्विसेज। यू मेट अ गुड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग देखने के लिए अच्छा होगा, बिल्डिंग फंक्शनल नहीं होगा, परफॉर्म नहीं होगा। सो क्रिटिकल यूटिलिटी सर्विस प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज फॉर द क्रिटिकल यूटिलिटी सर्विसेज। ये ऐसी एक बॉडी हमने बनाया जिसके अंदर ऑल इंजीनियर्स और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, एवरीबडी विल वर्क टुगेदर इन दिस एरिया। और बिल्डिंग की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल बी एबल टू सी हाउ मच अमाउंट एनर्जी यू आर सेव्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर यू आर सेव्ड, हाउ ऑल द वेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन डन वेरी वेल। यू कैन ऑल्सो सी हाउ ग्रीन द होल एरिया इज, एंड कंटिन्यूसली 24/7 इट कैन बी मॉनिटर्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट, नॉट ओनली इन द डिजाइन स्टेजेस, construction stages, commissioning stages and operation stages is more important. At the end of the day, airport chala raha hai, 24/7 has got to keep functioning all the time, watching where is what, where the problem is, keep on watching. So you can have the audits to be done at regular intervals, on energy audit or fire audit, or structural audit, fire audit, facade audit, and to see how the building health ki pulse dekhta hai na, kaise building aadmi ka health kaise hai, continuous scan is being done on that.
BIM, which is called Building Information Modeling, to be done over there. Focus coordinates all the work of that. So all these professionals are either, it can be a lift engineer, air conditioning engineer, or a water engineer, or a engineer to deal with the sanitation or gas supply or telecommunication. Wo sabko ekikrit karke integration, coordination, and comprehensive approach is done so that each one does not work differently. Talmel between all professionals happens as a result of focus activity. Focus is only 1 year old, but it has grown so well. We already have the chapters in Bangalore, we have in Mumbai, we have in Pune, we have in Chennai, we have in Kerala. Now the New Delhi chapter has been started for the northern India in a very large way. We're getting all the concerned professionals to work together. Very useful for big organizations like Airport Authority of India, for the CPWD, for the defense people, all the builders and developers, for all their IT complexes, building complexes, office complexes, hotels, hospitals, schools, residences. For all buildings, this particular be very important, because you are bringing efficiency, productivity, wastage. Samne bataya, wastage nahi hoga. And har ek ke liye, no, there is no clash will come between air conditioning pipe or water pipe or other. There's no clash coming on that. A place for everything, everything will be in its place. I think the best way to say it, you know. Har ek ke liye jagah dhoond ke rakha hai. Ye idhar hi aayega, aur koi jagah mein nahi jayega. Har ek ke liye pehle se hi planning level pe hi kiya. Ye nahi baad mein soche abhi kidhar rakho. Iske bare mein pehle hi sochna chahiye, right at the concept level, at the level of design level, detailing level, construction level, installation level, completion level, commission level, and during the operational phase. Agar building 2 saal ya 3 saal mein karega, building ka life hota hai 30 saal se 50 saal ya zyada bhi ho sakta hai, especially public building wala. How do you maintain that is an important component. So we are very happy such an amount of professionals are joined together today for making this program a big success, and also to have a good seminar. सेमिनार का भी बारे में देख लो, पहला पैनल के अंदर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन स्टेज का था, और दूसरा पैनल था ड्यूरिंग ऑपरेशन स्टेज. बिल्डिंग हो गया, कंप्लीट हो गया, हाउ डू यू मेंटेन दैट ड्यूरिंग द ऑपरेशनल फेज ऑफ दैट. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट कमला जी कुड बी देयर राइट, नॉट ओनली टू इनॉग्रेशन बट ऑल्सो टू सी द होल सेशन दैम हियर. एंड लास्टली यू सॉ द न्यू दिल्ली चैप्टर, नॉर्दर्न चैप्टर बींग ओपन फॉर द फोकस इन अ लार्ज वे. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम with such intense participation from all the professionals concerned. There are 18 professionals who are differently. Civil, there are architects, the civil engineers, including landscape architect, mechanical engineer, electrical engineer, plumbing engineer, heating, ventilating, air conditioning engineer, lift engineer, dealing with that, information communication technology, the BIM engineer, all these professionals to work together, unkali space on banaya, ek platform ke andar. So they can talk to each other, discuss each other, and respect, mutual respect for each other. Unki har ek service ka, har ek service ke liye importance deta hai. Because it's not important that everything works, but light doesn't work, no good. Everything works, but ventilation doesn't work, no good. Everything else, lift doesn't work, no good. Everything has to work together at that time. And that's what they do 24/7 in Airport Authority of India, to ensure that as long as everything works, nobody bothers. But suddenly one problem happens over there, they'll catch. That's what they keep on looking at it from the point of preventive maintenance, as a predictive maintenance, and operational maintenance. Continuously their team, each one of these members are all from there. They're working round the clock. We are not seeing them working. They're all working behind. Am I right, sir, in putting it? So we got to, forum provides an opportunity to see every building performs very well, functional, and all services are made available to all of you who come visit as a visitor, as a passenger, who go to a hotel or a hospital or a building or an office building. Each one, the people who use the building should have the best possible, what can I say, happiness that this building is performing well. अच्छा नो नाउ कोविड के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यू इन एस्पेशली इन द केस ऑफ हॉस्पिटल्स एज वेल एज इन अदर बिल्डिंग्स ओवर द इन्फेक्शन फ्री एनवायरमेंट कैसे प्रोवाइड करना. इवन दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर वर्क ऑन दैट, हाउ टू डील द फिल्टर्स रिक्वायर्ड और हेपा फिल्टर्स, सो एयर HVAC, द एयर चेंजेस टू हैपन इन एन ऑपरेशन थिएटर, व्हाट डू यू डू इन दैट पर्टिकुलर केस, व्हाट डू यू डू इन ICU, व्हाट डू यू डू इन जनरल वार्ड, ऑल दीज आर ऑल डिस्कशन पॉइंट्स. एंड फायर के बारे में वी आर Sharma ji himself talking, who was ex fire chief of Delhi Fire Service, and what happens in the case of fire, where does it come from, how do you stop that, you know, so no damage happens to property or lives in a large way. To me,
Focus is a very important body. The first time, and not only that, because India has started this first, now US has taken interest, UK has taken interest, Middle East has taken interest, whole of Middle East, UAE, plus Australia and New Zealand and Hong Kong. They have taken interest to see how they can work with Focus, so Focus can become a global international body. Now it's an Indian body. आज ही आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इसमें हमने एक बुक भी लॉन्च की है जो कि डिजाइन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। आज की डेट में ऐसी कोई सिंगल बुक अभी तक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में जिसमें कि आपका सिविल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, ग्रीन बिल्डिंग, सोलर पावर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, लिफ्ट एस्केलेटर्स, सारी डिजाइन एंड सिलेक्शन अवेलेबल हो। इस बार ये फर्स्ट टाइम ये बुक आज इस प्रोग्राम में लॉन्च की गई है जिसके अंदर सारा इस बुक के अंदर हाई राइज बिल्डिंग को कवर किया है और ये बुक हमारे सभी कंसल्टेंट डिजाइन जो कि स्टेक होल्डर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी और ऐसी हमारी सबके साथ कामना है कि सब हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ें और इसका फ़ायदा लें इसका जो है। सो आज हमारा दो पार्ट थे प्रोग्राम के, फोकस जो कि एक नई सोसाइटी है, टेक्निकल सोसाइटी, जहाँ पे हम क्रिटिकल यूटिलिटीज़ जो हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन रखते हैं। हमारे ऑलरेडी 5 चैप्टर हैं इंडिया में, तो आज दिल्ली चैप्टर का लॉन्च था यहाँ इस प्रोग्राम पे और इस लॉन्च के ओकेजन पे हमने एक पैनल डिस्कशन रखा था। जैसे आजकल आप देखते हैं बिल्डिंग्स डिज़ाइन की जाती हैं, जो नॉर्मली जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2-डायमेंशनल होती हैं। नया ट्रेंड जो आ रहा है वर्ल्ड में उसको हम कहते हैं बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल, जिसमें कि 3-डायमेंशन में काम होता है। 3-डायमेंशन में काम होने का फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं अपने डिज़ाइन को, क्योंकि अगर 2-डायमेंशन में करते हैं तो आप उसके अंदर देख नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन 3-डायमेंशन में हम उसको एग्जैक्टली देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आने से पहले पहले उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ये 3-डायमेंशनल जो अप्रोच है, बिम की जो अप्रोच है, ये वर्ल्ड में जो मूवमेंट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि कार्बन न्यूट्रल इंडिया बनाना है 2070 तक, उसका एक ये एक फाउंडेशन है उसके लिए बिम, और आज उसी के ऊपर प्रोग्राम रखा गया था, उसी के ऊपर टेक्निकल टॉक थी जो पिछले 3 घंटे से चल रही थी। और हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स थे जो ऑल ओवर इंडिया से आए थे, वर्ल्ड बाहर से भी आए थे, उन्होंने आके अपनी ओपिनियन शेयर की, अपने व्यूज शेयर किए, एंड होपफुली जो इसके ज़रिए हम इंडिया में बिम का इम्प्लीमेंटेशन फास्टर और बेटर कर पाएंगे। थैंक यू। आज का हमारा प्रोग्राम था ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ बिम सर्विसेज, और ये पूरा देश और दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, तो हमने भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, राइट फ्रॉम डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इसको हम डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं और क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको हमने एक तरीके से एक नॉलेज शेयरिंग करने की आज कोशिश की है। सो एक्टिविटी नंबर 1 वाज टू डू अ प्रोग्राम ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ बिम। दूसरा, आज हमने अपने ये फोकस चैप्टर का, दिल्ली चैप्टर का लॉन्च किया, और फोकस है एक ऐसा चैप्टर है जो कि सारी सर्विसेज को एक अम्ब्रेला में लेके चलता है, चाहे वो HVAC हो गया, चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, चाहे बिल्डिंग मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी हो गया। सो हमारा बेसिकली ये फोकस का फुल फॉर्म है फोरम ऑफ क्रिटिकल यूटिलिटी सर्विसेज, और ये बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ऐसी सोसाइटी अभी तक ना इंडिया में ना इंटरनेशनली ऐसी कोई सोसाइटी अवेलेबल है जो सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करती है। तो आज ये दिल्ली चैप्टर का लॉन्च हुआ है, और हम इस चैप्टर के थ्रू और इस फोरम के थ्रू हम अपनी जितनी सर्विसेज हैं और इस बिल्डिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहेंगे। मेरा नाम माला सिंह है और मैं फोकस ग्रुप की सस्टेनेबिलिटी, जो एक नया सब्जेक्ट है इंडिया में, उसकी चेयरपर्सन हूँ नेशनल लेवल पे। आज का जो प्रोग्राम था ये एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का क्या रोल है डिज़ाइन लेवल पे, और बाद में बिल्डिंग जब ऑपरेशन होता है उसका, तो एक डिज़ाइन से लेके मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बिल्डिंग ऑपरेशन के अंदर हमको किस तरह की एक सोच की ज़रूरत है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की
ज़रूरत है, जिससे कि हम एक कह सकते हैं कि जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो नया जो मिशन हमने अभी साइन किया है COP26 में, जिसमें कि नेट ज़ीरो मिशन 2070, और दूसरा हमने एक और साइन किया है जिसमें कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2050 तक हमें ग्रीन एनर्जी के गोल्स भी अचीव करने हैं। तो आई थिंक इस तरह के जो फोरम हैं, जैसे कि आज का इवेंट था, ये बहुत ही बड़े लेवल पे ये एक तरह से चिंगारी का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग उस तरह की ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं, ग्रीन बिल्ट एनवायरनमेंट पे काम करें और अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करें, जिससे कि हम जो मिशंस हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेट ज़ीरो का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ग्रीन एनर्जी का, ये सारे मिशन कम्प्लीट करने के लिए एक आगे के लिए एक अच्छा रास्ता आगे के लिए बने और सबको अच्छी दिशा मिले। मैं यही कहना चाहूँगी और आगे फोकस की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे पैन इंडिया में, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए, ताकि लोगों को भी, आम आदमी को भी समझ आए कि किस तरह की डेवलपमेंट की हमारे कंट्री को भी ज़रूरत है, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये मेरा बोलने का मतलब है। फोरम ऑफ क्रिटिकल यूटिलिटी सर्विसेज एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, जो अक्टूबर 26, 2020 को इसकी लॉन्च हुई है। इसके अभी 5 चैप्टर ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, आगे चल करके आने वाले साल में हम इसको बढ़ा करके करीब 51 चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया इसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे पास काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप ली है, ऑल स्टारवर्ड्स जो इंडस्ट्री के हैं, जो जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, जो वर्टिकल ग्रुप्स के हैं, चेयरमैन एट द लेवल ऑफ यू नो पीपल विद मोर देन 30-35 ईयर्स एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसकी एक अभियान हमने शुरू की है, जो आगे चल करके भारतवर्ष में इस तरह के एक अश्योरिंग और इस तरह का एक सेफ एनवायरनमेंट में जो बिल्डिंग्स बनेंगी, और जिसके चलते आगे जो सुरक्षा, जिस होमलैंड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, ये सारा सुरक्षा के साथ ये सारे बिल्डिंग्स बनेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमें एनवायरनमेंटल जो कंसर्न है, जो आज हम फेस कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, ये सारे जो ग्रीन बिल्डिंग्स जी जो अभियान हम चलाए हैं, ये भी आगे चल करके बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट बनने जा रही है। तो आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप www@ourfocus.com में के साथ में जाके आप अपने नाम रजिस्टर करें, मेंबरशिप लें, और आप देखेंगे अगले 5 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फोकस का, और मैं फोकस का को चेयर फॉर फैसिलिटी मैनेजमेंट ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ से, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर कम्युनिटी में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत 40 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा मैनेज करते हैं, और इस फोकस की तरफ से जैसे BIM मॉडल जो बात कर रहे हैं, जिस पे आज हमने फोकस किया है कि भाई हाउ इट इज़ कैसे इसको हेल्पफुल रहेगा, कैसे हमारी मदद करेगा, तो इससे एक तो एफिशिएंट डिज़ाइन होगा ही होगा, फिर आप एनर्जी ट्रैक कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी आपका वातावरण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि भाई आपका पॉल्यूशन कितना है, इंडोर एयर क्वालिटी का क्या करना है, एनर्जी कितनी जा रही है, पानी कितना जा रहा है, सबको ट्रैक कर सकते हैं। इसको ट्रैक करने के बावजूद सी एक मेंटेनेंस एफिशिएंसी कैसे आएगी, आपके पास डिज़ाइन होंगी, डिजिटल ड्राइंग्स होंगी, और आपके इंजीनियर्स उसको देख पाएंगे कहाँ पे आपका लीकेज था, क्या प्रेशर कम है तो क्यों है, अगर पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये एक जो BIM मॉडल आज लॉन्च किया है इन्होंने, या जो भी आप अवेयरनेस डाल रहे हैं, ये सबको बहुत सपोर्ट करने वाला है और बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रिया फोकस को, थैंक्स फोकस टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड फोकस में बहुत सारे वर्टिकल, अभी जैसा नरसिम्हा जी ने मेंशन किया है, हर एक फ्रेटर्निटी से आए हुए हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी हो, फायर एलिवेटर्स का हो, या फैसिलिटी मैनेजमेंट से हो, या डिज़ाइन से हो, कंसल्टेंट्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, सो थैंक्स, बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सर।